अरे झुको ढंग से यहाँ पर नमस्कार शक्ल गंदी हुई है वैसे भी ऐसी है ऐसी है खुश हो जाता दादी ने यहाँ भी मैं पुष्पा को देने जाऊंगी। गाइस फिलहाल मेरा तड़का चढ़ने लग गया है, दाल गली हुई है, राहुल सब्जी की तैयारी करने मैं चाय घुसने के लिए गई मैं और मैंने बताया कि देखा राहुल उठो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है चलो। क्या है राहुल को भी ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। लोग कहते हैं आप बात नहीं करते हो भी बोल देती। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज ससुराल में फर्स्ट दिन है, मतलब मेरे मायके से आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने फ्रेश वगैरह हो गया और नाश्ता भी हमारा हो गया, तो अभी हम नीचे बुआ से मिलने जा रहे हैं और फिर चाची लोगों से, क्योंकि नीचे जब हम नीचे पे ना दादी ने वो नहीं दिया था, कुछ सामान दिया था अपनी बेटी के लिए, तो उनको देने के लिए जा रहे हैं। और चाची लोगों के घर इसलिए क्योंकि सूरज की तबीयत ख़राब है, वो रखा उसको चिकन पॉक्स हो रखा है, तो हम लोग उससे भी मिलने जा रहे हैं। और फिलहाल जो है सौरभ बाहर आ रखा है, तो मैं रेडी हो रही थी इसलिए वो अंदर नहीं आया, तो चलो उससे भी मिलते हैं। हाय गाइस नमस्कार। अरे झुको ढंग से यहाँ पर नमस्कार क्या लेना है क्या? नहीं फैशन है वो शक्ल गंदी हुई है वैसे भी ऐसी है ऐसी है आसमान देखो क्या बढ़िया नजर आ रहा है, रोजेस लग गए हैं दोबारा से। चलो खुश हो अच्छा नहीं लग रहा है मुझपे। क्यों लग रहा है? हाय बढ़िया। उन्हें दिखाओ ना, ये कटहल भी भिजवाया था, एक कटहल था बहुत बड़ा सा, तो उसमें से हमने तीन पीसेस किए, एक छोटे बुआ के लिए और एक चाची के लिए। चाची भी यही है, हैं? चाची का क्यों खेत में जा रखी? ऊपर है नजर आ रहा है सारा सूट तो कर रहा है इधर देख कैसा कर दिखा लगा के दिखाओ दिखाओ नो सूट तो कर रहा है उसमें भी ढंग से देखो इधर दो मिनट तक देखो क्या है दिमाग खराब है लो पकड़ो नमस्ते नमस्ते ठीक है ना देखो कहाँ है अच्छा दादी खेत में है अभी अब चल ब्राउन हो गया यार ये तो टाइम की तो अभी चलिए 12 बजने वाले हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, खाना भी बनाना है आज तो, मम्मी जा रही है रुपाई करने के लिए और अब हम जाएंगे बुआ से मिलने। है राहुल चल चलते हैं 10-15 मिनट में मिल के आ जाएंगे हमको। चलो
भेजा दादी ने, यहाँ भी मैं पुष्पों को देने जाऊंगी और दूसरा कटहल भी। बुआ को भी सामान दे दिया है, अब चलते हैं घर। खाना नहीं बनाया, पापा पहुंच जाएंगे घर तो फिर डांटेंगे कि 12 बज गया और अभी तक खाना नहीं बनाया। चलो गाइस, फिलहाल मेरा तड़का चढ़ने लग गया है, दाल गली हुई है, राहुल सब्जी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गया और पापा भी आ गए। पापा को देता है ठंडा, इसको भी तो गाइस फिलहाल खान पान हो चुका है और हम देख रहे हैं अवतार 2। और मतलब मैं चश्मे से देख रही हूँ तो मुझे बहुत सही लग रही है, मतलब कलर्स आ गए हैं ज़्यादा और क्लियरिटी 5G की क्लियरिटी नज़र आ रही है। यहाँ भाई सब चॉकलेट खा रहे हैं। गाइस हम लोग मूवी देखने के बाद देखने के क्या आधी भी देख ही सो गए, तभी मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, राहुल ऐसे सो जाते हैं। तो उठने के बाद अभी चाय बनाने के लिए आई मैं क्योंकि पापा कहीं से आए और अभी 6 बज रहे हैं, तो किचन में चाय घुसने के लिए गई मैं और मैंने बताया कि देखा तो बड़े वाले जीजा जी है ना राहुल के, उन्होंने भिजवाए हैं ये हल्द्वानी से, इतने सारे आम यार मज़ा आ गया। फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ। राहुल उठा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी देखो, चलो किचन में दिखाओ ना, किचन में है ना, चलो 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 जल्दी आओ, लेट्स गो, चलो रुको ना, जल्दी चलो। अरे बापरे क्या है ये, खोल के देखा, उधर से खोलो ना, उधर से किसी को कुछ नहीं बताना। काम खत्म करते हैं अभी, अभी बैठो के खत्म करते हो, खतरनाक ना यार। और तुम मिलना हुआ तो अच्छा। राहुल को भी ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा और मुझे भी, तो फिलहाल चाय एंजॉय करते हैं। हाय तन्नू, कल से आज मिल गई मुझे, मिल गई मैं उससे, इधर इधर राहुल हाथ पकड़ो जल्दी आओ, तो मेरी तरफ से आया था शेरू, आया था ना मेरी तरफ से पकड़ने के लिए, ये ओए इधर आ, इधर आ शेरू, हट, ये कुत्ता
आजा शेर आजा। सो गाइस आम पार्टी चल रही है फिलहाल, और खाना बनाना नहीं है, सिर्फ रोटियां बनानी, क्योंकि दिन की सब्जी भी है और दाल भी है, तो आज की थोड़ा छुट्टी मिल गई है, और क्या चाहिए ना जिंदगी में, हमें इतना ही मिल जाता ना, हमें खुशी मिल जाती है। तो फिलहाल अभी हम आम एंजॉय करते हैं। बोल दो कुछ फौजी साहब। फौजी साहब लोग कहते हैं आप बात नहीं करते हो, भी बोल नहीं देती। बोलो। मैं थोड़ा कम बोलता हूँ यार।